हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिमुलेटेड टीचिंग के बारे में। असेसमेंट फॉर लर्निंग का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? अनुकरणीय शिक्षण। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे अपने इस वीडियो में। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको वीडियो तो मिलेगा ही, एज वेल एज़ आपको PDF भी मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, केवल कमेंट्स जो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या होता है सिमुलेटेड टीचिंग। इंट्रोडक्शन जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि सिमुलेशन यानी अनुकरण क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आप इंग्लिश और हिंदी में देख सकते हैं। सिमुलेशन मतलब होता है बेसिकली, सिमुलेशन एक टेक्निक है जो कि टीचर के बिहेवियर में मॉडिफाई करने के लिए, चेंजेस करने के लिए किया जाता है। 1968 में क्रोइक शैंक ने इसे डेवलप किया था। ठीक है, एज द टर्म इंडिकेट, सिमुलेशन टेक्निक क्या है? ये एक कृत्रिम मेथड है जिसके ज़रिए जो टीचर ट्रेनी जो है उसके बिहेवियर को डेवलप किया जाता है। किसी विशेष तरीके का जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो उसे किया जा सकता है। जो टीचर ट्रेनी है वो क्या करती है, कुछ रोल्स एक्ट करती है टीचिंग में। अब देखिए, इसके पहले हमने माइक्रो टीचिंग पढ़ा था। माइक्रो टीचिंग और सिमुलेटेड टीचिंग दोनों में क्या डिफरेंस है? माइक्रो टीचिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो टीचर ट्रेनी होती है वो अपने टॉपिक को टीच करती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए माइक्रो टीचिंग और सिमुलेटेड टीचिंग इसमें डिफरेंस क्या होता है? जब माइक्रो टीचिंग में जो टीचर ट्रेनी होती है वो क्या करती है, अपने लेसन को प्रेजेंट करती है इन फ्रंट ऑफ अदर, उनके जो पीयर ग्रुप होता है उनके सामने प्रेजेंट करती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अनुकरण का मतलब ही होता है क्या करना, नकल करना या अनुकरण करना। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर क्या करती है, बेसिकली एक कोई जो है रोल यहाँ पे कोई प्ले करती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए कि जो सिमुलेटेड टीचिंग होता है उसमें जो स्टूडेंट और टीचर के क्या कहते थे, ऐसे क्लासरूम सिचुएशन में इनको डाला जाता है जहाँ पे, यहाँ पे देखिए, तो क्लासरूम सिचुएशन टू लर्न टू टीच देयर ओन इंस्टेड ऑफ लर्निंग देम अबाउट द क्लासरूम टीचिंग। अब क्या होता है, जो एक स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, टीचर जैसा एक टीचर का एक्ट करता है, और जो बाकी के होते हैं यानी एक या दो जो होते हैं टीचर ट्रेनिंग, वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और जो अदर जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एंड अदर एक्टर स्टूडेंट्स, वो बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स मतलब एक्ट एज अ स्टूडेंट्स। यानी हम कह सकते हैं कि टीचर, ये सिमुलेटेड टीचिंग क्या होती है कि आपको एक ही क्लास में जो सभी जो बच्चे हैं जो टीचर ट्रेनिंग है वही सब आपस में क्या करते हैं, कोई ऑब्जर्वर, एक या दो जो हो टीचर ट्रेनी वो ऑब्जर्व करती है, और जो बाकी के जो टीचर ट्रेनी हैं वो क्या करते हैं, वो स्टूडेंट्स बन जाते हैं कुछ समय के लिए, और एक जो होता है वो क्या बन जाता है, टीचर बन जाता है। इस तरीके से एक जो है कृत्रिम या एक हम कह सकते हैं नकली क्लासरूम की व्यवस्था की जाती है जिसमें टीचर भी नकली, स्टूडेंट्स भी नकली, ऑब्जर्वर भी नकली होंगे। अब एटिमोलॉजिकली द वर्ड सिमुलेशन इज डिराइव, जो ये वर्ड है सिमुलेशन, ये सिमुलेट वर्ड से डिराइव हुआ है। उसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस सर्टन कंडीशन बाय मीन्स ऑफ मॉडल फॉर स्टडी और ट्रेनिंग पर्पज। फॉर एग्जाम्पल, टू स्टिमुलेट फ्लाइट यूजिंग अ मॉडल फ्लाइट इन अ विंड टनल। यानी कि किसी तरह, जैसे कि जो वास्तविकता होती है उसको दर्शाने के लिए किसी नकली या किसी कृत्रिम मॉडल का उपयोग करना। जैसे यहाँ पे क्या है टीचिंग में कि ओरिजिनल क्लासरूम तो नहीं है, यहाँ पे क्या है, सारे क्या है, कृत्रिम है, नकली हैं। जो टीचर बना है वो भी नकली, स्टूडेंट्स बने हैं वो भी नकली, और जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो भी नकली। सब के सब क्या है, असल में रियल में क्या है, वो लोग टीचर ट्रेनी है जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन वही लोग, उन्होंने क्या किया है, एक सिचुएशन तैयार किया है क्लासरूम का। ठीक है, यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। सिमुलेशन जो होता है इज आल्सो यूज्ड व्हेन अ रियल सिस्टम के नॉट बी, जब रियल सिचुएशन को हम लोग
रिक्रिएट नहीं कर सकते, ऐसे सिचुएशन में सिमुलेशन यानी सिमुलेटेड जो टीचिंग है उसको किया जाता है। ठीक है, आगे कुछ डेफिनेशंस देखेंगे सिमुलेशन का। तो थॉमसन और डीमर क्या कहते हैं कि टू स्टिमुलेट इज़ टू ऑब्टेन द एसेंस ऑफ विदाउट रियलिटी, यानी वास्तविकता को ऑब्टेन करने का बेसिक एक माध्यम है सिमुलेटेड टीचिंग। अब फिंक क्या कहते हैं कि जो अनुकरण वास्तविकता को दर्शाने के लिए नियंत्रित अवस्था है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंट्रोल्ड एक एनवायरनमेंट है जहाँ पे हर चीज़ कंट्रोल में है। ठीक है, क्योंकि इसे बेसिकली तैयार किया गया है, कुछ भी रियल नहीं है। ठीक है, सब कुछ क्या है, कृत्रिम है, नकली है। अकॉर्डिंग टू गिट्सकोव सिमुलेशन इज़ एन ऑपरेटिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंट्रोल्ड फीचर्स ऑफ रियलिटी, यानी जो वास्तविकता है उसको दर्शाने के लिए एक कृत्रिम तरीके से तैयार किया गया कंट्रोल्ड सिचुएशन है सिमुलेटेड टीचिंग। अब मीनिंग देख रहे हैं हम यहाँ पे, तो मीनिंग क्या है, क्या है सिमुलेटेड टीचिंग का मतलब। द सिमुलेशन टेक्निक हैज़ बिन अप्लाइड, यानी कि बहुत सालों से इसे यूज़ किया जा रहा है इन एजुकेशन फील्ड। सिमुलेशन क्या है, बेसिकली एक कंस्ट्रक्टेड बनाया हुआ एक कृत्रिम सिचुएशन है जो कि रियल सिचुएशन के जैसा ही है, जो कि टीचर ट्रेनी को हेल्प करता है कि रियल फील्ड में उसे जाने के लिए उसे ट्रेन करता है। क्योंकि जब एक टीचर ट्रेनी होती है, वो बीएड की टीचिंग लेती है, तब क्या होता है कि उसको इवेल्युएट कैसे करना है, उसको फीडबैक कैसे देना है। तो इसलिए क्या होता है कि वही सपोज़ अगर 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 टीचर ट्रेनी है, तो वही लोग क्या करेंगे, क्लास में अपना एक एनवायरनमेंट तैयार करेंगे, 50 स्टूडेंट्स में से ही, 50 टीचर ट्रेनी में से ही एक जो है वो टीच करेगा, दो उसमें से ऑब्जर्व करेंगे, बाकी के जो लोग हैं वो स्टूडेंट का एक्ट रोल करेंगे। ठीक है, प्ले करते हैं। ये तो हमने अभी ही पढ़ा है कि किस तरीके से सारा कुछ सेटअप किया जाता है, जहाँ पे एक जो टीचर होता है वो क्या, एक जो स्टूडेंट टीचर ट्रेनी है वो टीचर का एक्ट करता है, बाकी जो एक दो हैं वो क्या किसका एक्ट करते हैं, ऑब्जर्वर का, और बाकी के जो टीचर ट्रेनी है वो स्टूडेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, और देयर शुड बी मिनिमम ऑफ 5 to 7 स्टूडेंट्स टीचर। ठीक है, 5 या 7 जो बच्चे हैं जो वो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स या टीचर का रोल प्ले करते हैं। अब आगे के वो क्या करते हैं, सोशल स्किल की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और जो टीच करता है, जो मैंने भी बताया कि जिस तरीके से जो एक बच्चा जो टीच कर रहा है, टीचर ट्रेनी जो टीच कर रहा है वो क्या बनेगा, उसको क्या कहते हैं, एक्टर कहेंगे। और जो ऑब्जर्व कर रहे हैं दो, ठीक है, टू स्टूडेंट एक्ट एज ऑब्जर्वर, जो दो बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ऑब्जर्वर कहलाएंगे। और जो टीचर ट्रेनी जो क्या कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स बने हुए, उन्हें क्या कहेंगे, हम फॉइल्स कहेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल्स देखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ जो सीख रहे हैं, ट्रेंड हो रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, वो डूइंग यानी करके सीख रहे हैं। ठीक है, कोई चीज़ प्रैक्टिकल इन्हें नॉलेज मिल रही है, यहाँ पे इमीडिएट फीडबैक भी इनको मिलता है, और एक तरीके से प्रैक्टिस हो रही है रियल सिचुएशन की। ठीक है, प्रोवाइडिंग अ सेफ प्लेटफॉर्म, ये सेफ प्लेटफॉर्म है प्रैक्टिस करने के लिए, और एक तरीके से रिहर्सल हो जाती है बच्चों की रियल क्लासरूम को हैंडल करने के लिए। प्रोसीजर ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग, प्रोसीजर क्या है, जो क्रुइक शैंक है वो क्या कहते हैं कि द प्रोसीजर ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग कंसिस्ट ऑफ 3 रोल्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से रोल्स, जो हमने भी पढ़ा है, द टीचर, द पीपल एंड द ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर उन्होंने 3 एलिमेंट्स बताया है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है डायग्नोजिंग, द टीचर फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू डायग्नोज अबाउट द लर्नर्स, यानी टीचर सबसे पहले क्या करेगी कि लर्नर को डायग्नोज करेगी। ठीक है, एट दिस स्टेज ही कम्स टू नो ड्रॉबैक्स, इस स्टेज पे जो टीचर है वो क्या करेगी, चेक एटीट्यूड्स को, एप्टीट्यूड्स को, लाइकिंग डिसलाइकिंग जो स्टूडेंट्स के हैं उसको चेक करेंगी, और उसके बाद क्या करेगी, अकॉर्डिंगली ही प्रिस्क्राइब थिंग्स सो एज टू टीच द लर्नर्स। ठीक है, जो है उसका सारा कुछ नोट कर लेगी टीचर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, प्रिस्क्रिप्शन, जब टीचर ने पता लगा लिया कि क्या क्या डिसलाइक्स है, क्या क्या उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसके बाद टीचर क्या करेगी, द टीचर हैज़ टू सी दैट सब्जेक्ट मैटर इज़ रेलिवेंट, टीचर को क्या देखना है कि जो सब्जेक्ट मैटर जो टीचर ट्रेनी पढ़ा रही है वो रेलिवेंट होना चाहिए, और जो लर्नर है उसके
नीड्स के अकॉर्डिंग सूट होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, देन ही अडॉप्ट सूटेबल मैथडोलॉजी फॉर टीचिंग द कंटेंट, यानी उसके बाद उसके मैथडोलॉजी जो है वो भी क्या करना है, अडॉप्ट करना, सूटेबल मैथड जो है अडॉप्ट करना है बच्चे को कोई चीज़ पढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा आता है इवेल्यूएशन। आफ्टर दैट द स्टूडेंट्स आर इवेल्यूएटेड वेयर बाय द टीचर कम्स टू नो द सक्सेस और फेलियर, यानी उसका इवेल्यूएट किया जाता है, जिसके बाद स्टूडेंट्स को पता चलता है कि स्टूडेंट्स आर इवेल्यूएटेड, जो स्टूडेंट्स हैं उसको इवेल्यूएट किया जाता है। उसके बाद जो टीचर है उसको बताती है कि उसका जो जो उसका जो मतलब टीचिंग है जो वो क्या है, सक्सेस है या फेलियर है, एंड ऑल्सो द सक्सेस और अदरवाइज ऑफ द लर्नर, ठीक है। इस तरीके से लास्ट में क्या है, इवेल्यूएट किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कि जो थ्री प्रोसेस है वो प्रोसीजर है वो कौन कौन से। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो स्टेप्स होते हैं सिमिलरिटी टीचिंग के वो पढ़ेंगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे किसमें, पार्ट सेकेंड में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये हेल्पफुल लगी हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर बी रिलेटेड टॉपिक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।